अगर आप भी कैश विड्रॉल काफी ज्यादा करते हैं तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। खबर है कि सरकार कैश विड्रॉल करने वालों पर भारी भरकम टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। तो सरकार क्या बना सकती है नया नियम और क्या है इसका मकसद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने में लगी है। एनडीए पार्ट वन में जहां पीएम मोदी ने भीम ऐप लॉन्च कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वहीं अब सरकार सालाना कैश विड्रॉल की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार बैंकों से 10 लाख से ज्यादा सालाना कैश निकालने वाले लोगों पर टैक्स लगा सकती है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है और साथ ही ब्लैक मनी को कम करना भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आधार ऑथेंटिकेशन को तमाम बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अनिवार्य बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सरकार टैक्स छिपाने वालों और बड़े कारोबार पर नजर रख सके। हालांकि अभी 50,000 से अधिक रुपए के जमा करने पर पैन कार्ड देने का नियम है। बताया जा रहा है कि सरकार बजट से पहले इस पर फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार पार्ट टू अपना नया बजट 5 जुलाई को पेश करेगी। नई कैबिनेट में मोदी सरकार ने निर्मला सीतारमण पर विश्वास जताया है और उन्हें वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी है, जिनसे लोगों को अब काफी उम्मीदें हैं। अब सरकार बजट के जरिए क्या राहत देगी वो देखना होगा, लेकिन उससे पहले सरकार कैश विड्रॉल करने वालों को झटका जरूर दे सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।